हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड से अपने आप को बचा रहे होंगे, बिकॉज ठंड ने ना लिमिट क्रॉस कर दी है। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना कि क्या ही बताएं। स्पेशली आप लोग बच्चों का ध्यान रखो यार। धनवी का तो मैं एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ, बट फिर भी उसको थोड़ा बहुत जुकाम वगैरह हो ही जा रहा है। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, मैं पूजा करने के लिए जा रही थी ऊपर। आज है नया साल, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से स्टार्ट होता है नया साल और आज के दिन हम बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं खुद से। एक चीज बताओ, पहले जो शादी से पहले बच्चे जब हम होते थे, छोटे छोटे होते थे, तो मम्मी बोलती थी आज के दिन जो नहा लिया वो पूरे साल नहाएगा। किस किस की मम्मी ये बोलती थी, आज के दिन जिसने सुबह सुबह उठ के पढ़ लिया वो पूरे साल पढ़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे बोली जाती थी जो हमारी मम्मी वगैरह बोलते थे। वो एक टाइम ही ना अलग होता था, वो सारी चीजें ही एक अलग होती थी कि हमारे दिमाग में टेंशन रहता था, नहीं नहाना है, नहीं तो पूरे साल हम नहीं नहाएंगे, नहीं पढ़ना है, हम बहुत अच्छे बच्चे तो रहेंगे, बहुत सारी चीजें। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं पता चलता है कि नहीं भाई, वो तो सिर्फ एक ऐसी चीजें होती हैं जो मम्मी पापा हमें डरा के करा देते हैं। तो बस वो टाइम भी मतलब बहुत अच्छे होते थे, बहुत स्पेशल होते थे, लेकिन अब वो निकल गया टाइम। मिस करती हूँ मैं हमेशा उस टाइम को। सो गाइज, कल 31st था, हमने प्लानिंग की, पूरे दिन प्लानिंग की कि हम कहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बट हम कहीं नहीं जा पाए, हम घर पे रह गए। फिर आज हम सुबह से प्लान कर रहे हैं कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, पूरी फैमिली जाएंगे, जहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये होता है ना कि यार मम्मी पापा, मामी जी, मामा जी, मेरे मम्मी पापा, ये लोग ना हमेशा से हमारे बच्चों के लिए ही सोचते सोचते इनकी लाइफ बीत जाती है। ये खुद कभी नहीं घूम पाते, खुद अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो मेरा मन हमेशा से यही होता है ना कि यार अब ये जो टाइम आया ना, हम अपने पेरेंट्स को घुमाएं फिराएं, उनको ये टाइम इंजॉय कराएं। बट हमारे पेरेंट्स एक जाते नहीं है कि नहीं नहीं तुम बच्चे हो, तुम जाओ। बट बड़ी मुश्किल से हमने आज मतलब एग्री किया है कि आप सब चलो, लेकिन अभी पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे सब लोग, मुझे नहीं पता। बट अभी मैं बस जा रही थी रेडी होने, और रेडी होने जा रही थी ना, तो मैं आज मैंने बहुत ही प्यारी सी आज मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। तो मुझे पता है आप सब लोग ज़रूर पूछोगे कि दी आपने ये लिपस्टिक कहाँ से लिया है, और शेड ज़रूर पूछोगे। तो चलिए आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ NYBay का, ये कन्फेशन ऑफ अ लिप अहोलिक प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक। मेरे पास दो शेड हैं, एक शेड मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ, और बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देते हैं ये लिपस्टिक। मैट फिनिश में है, और मतलब प्राइम आपकी जो लिप्स है ना, वो जो फटे फटे से लिप्स होते हैं, इस मतलब होती है ना लिक्विड लिपस्टिक फट जाती है तो बहुत गंदी दिखती है, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है NYBay के ये लिपस्टिक से। एंड सेल भी चल रही है एंड आने वाली है, उसकी आगे हम बात करते हैं। चलिए इसको, इसका शेड को अच्छे से लगा के एंड तब इसकी प्रॉपर अच्छी सी बात बताते हैं। सो गाइज, ये है मेरे पास NYBay का कन्फेशन ऑफ अ लिप अहोलिक लिक्विड लिपस्टिक, जिसका प्राइस सिर्फ 269 रुपीज है एंड 15 वेरिएंट शेड्स आते हैं इसके। ये एनरिच्ड है जोजोबो ऑयल से एंड प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक है, एंड ऑल्सो हाई कलर पे ऑफ है। इसमें मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है एंड ऑल्सो लग्जोरियस मैट फिनिश देता है। ट्रांसफर नहीं होता है आपके हैंड पे या कहीं भी कपड़े वगैरह पे एंड स्मच प्रूफ है। एंड चलिए दोनों शेड अप्लाई करके दिखाते हैं। ये है न्यूड शेड में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। न्यूड शेड की एक अलग बात है एंड जो थोड़ा सा डार्क शेड है उसका थोड़ा अलग बात है। तो NYBay का ये मक्स एंड ह्यूक्स 12 न्यूड शेड है, जो कि आप जरूर से जरूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लिपस्टिक है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास NYBay का ऑल आई वॉन्ट फॉर लव 4, ये वाला शेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी रिच लुक देता है एंड ऑल्सो आपके लिप्स को सेक्सी एंड बोल्ड दिखाता है। एंड देख सकते हो फिंगर पे ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ बता दूँ, पर्पल पे न्यू लुक सेल स्टार्ट होने वाला है 6 जैन से लेके 13 जैन तक। ऑल्सो गाइज, बाय वन गेट वन फ्री ऑल NYBay प्रोडक्ट्स ऑन 7 जैन एंड अमेजिंग डिस्काउंट्स एंड ऑफर ऑन अदर डेज ऑफ सेल। चलिए अब जल्दी से कर लेती हूँ प्रॉपर पूरा मेकअप। मैंने सोचा पहले आपको लिपस्टिक का रिव्यू शेयर कर दूँ, उसके बाद मेकअप करती हूँ, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो और पूछो ना कि आपने कहाँ से लिया है, क्या क्या। इस पे मैं थोड़ा सा मरूनी और ऐड करूंगी, दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा शेड निकल के आएगा। जो न्यूड है और ये हल्का सा रेडी सा, इसको ना थोड़ा मरून टाइप शेड दूंगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। गाइज मतलब
मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना आज। मैंने थोड़ा सा डार्क लिप्स लगाया, बहुत दिन से ना न्यूड न्यूड लगा के थक गई थी, तो मैंने सोचा आज तो डार्क लगाऊंगी। क्या हुआ ना, हम लोग कल प्लान किया हमने पूरे दिन कि चलना है, घूमने जाना है, बट हम नहीं घूमने जा पाए। फिर आज हमने प्लान किया है और अभी देखो मैं टाइम बताऊँ 3 बज चुके हैं अभी, किसी का कुछ अता पता नहीं है कैसे जाना। अभी ये दोनों नंदों को मेरे लेने गए हैं, पूजा और प्रीति को, और सुबह जब पूरी फैमिली को कहीं एक साथ जाना होता है ना, तो कितना भी आप टाइम कर लो कि हाँ इस टाइम में निकल जाना है, नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। कभी कोई तैयार होने में लेट होता है, कभी तो कोई, हम लोग जा रहे हैं हमारी पूरी फैमिली, मम्मी वगैरह, पापा जी नहीं जा रहे हैं, बाकी भैया भाभी बाबू वो लोग कहीं और गए हुए हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर गए हुए हैं, बट वो कहीं और गए हुए हैं। और मम्मी हमारे साथ जा रही हैं, मामा जी जाएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, पर मामी जी जा रही हैं, और पूजा, प्रीति, अंकित, अंशु, विकास, अभिषेक, मैं, हम सभी लोग जा रहे हैं, पतिदेव, धनवी, हम सब लोग जा रहे हैं। सो बस थोड़ी देर में निकलते हैं, वो लोग आ जाए उसके बाद निकलते हैं। यार हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉग में बने रहें तब मज़ा आएगा। जब अकेले कहीं जाना होता है ना, तो फट से रेडी हो और निकल जाओ, तो फिर कोई वो नहीं होता, अपना टाइमली चले जाते हैं। बट जब फैमिली के साथ जाना होता है ना, तब कितना भी जल्दी कर लो नहीं हो पाता है, लेट हो ही जाता है। सो बस हम लोग भी निकल रहे हैं, वेट कर रहे हैं सब लोग आ जाए, फिर हम निकलते हैं जल्दी से। मैं पॉनीटेल कर लेती हूँ, बाल खोल के ना अनकंफर्टेबल सा हो रहा है। आप आए हैं, प्रीति साला लेट कर आई है, आई है पर अब बूट सूट पहन के एकदम हीरोइन वाली है, यही लेट कर आई है। मुझे लगा हम सुन से आ गए, तो कैसे जाएंगे हम लोग? वो लोग तो वहाँ पहुँच भी गए, बोला हैप्पी प्रीति, प्रीति ये देखो। अरे भाई आपने स्टेटस लगाया था ना, ये मैंने तो दिया भाभी को। अच्छा सही, बहुत अच्छा है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, बाबू ने खुद तैयार किया, बाबू ने मत लगाया, फाउंडेशन लगाया तो फाउंडेशन लगा दिया ना भाभी, इसको क्या लिखा है बताओ, किन्होंने दिया था? पानी 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 पी लो, पानी पी लो। अच्छी उसकी तरफ से, कॉलेज की तरफ से मिला, मेवाड़ ग्रुप ऑफ, वहाँ पे वो था जो मिला। अरे मतलब सारे आदमी बैठे हुए थे, फीफा वगैरह पढ़ता है उसमें। अच्छा अच्छा हाँ, देखा इन्होंने दिया था। अच्छा ये है अरुण, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको। हेलो विकास तेल में लगा के उसका बाल बाल झाड़ के लेके आ गए। आई थी ना मेरे तंग कर दिल, बस मैं कपड़े धोने लग गई, नहीं पोछा लगा मैं दीदी के गन छोड़ के आ जाई थी। ए निक नहीं है थोड़े, ए निक हम सही देखी खात, ए निक बताओ हम सही खात है निक। अच्छा कितने हम शुरू से गए हैं तो हमारी रही थी झाड़ू पोछा करते हैं, अब बहुत जैसा कुछ छोड़ दें थी ना, हॉबी में इकट्ठा कर यही रुकेंगे, बैठल जाइए जैसे धूप में, धूप का हवा यहाँ का हवा। आप ले लो मैं तो ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा जल्दी 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 मम्मी वगैरह निकल रहे हैं पूरी।
सो गाइस, जब मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं ना मुझे बाहर, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि लगता है कि हाँ चलो। तो बहुत सारे लोग तो शर्मा के आते नहीं हैं, बट उनको दूर दूर से देख के उनके मतलब हाव भाव से पता चल जाता है कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। बट जो साथ में आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, उनमें बहुत अच्छा लगता है देख के। हमारा वीडियो बना था बस पूजा का देखो, हां भाभी सेल्फी ज्यादा अच्छी है, वो सेल्फी ले तो गया मेरी। ये आती हुई मेरी स्टाइल मारते हुए, मेरे से कुछ मैचिंग तो नहीं पहनी है? नहीं नहीं पहना, कुछ नहीं पहनी है। इधर हमें जाना है, आगे बैठो। अरे रुक जा भैया को, ए भैया को जाने दो, बैठ। ए भैया के बगल हां बैठ जा भैया, बैठ गिरी ना, नहीं घोड़े आगे वीडियो बना रहा है। रस से घोड़ा बात ले रहे हैं आगे की तरफ, करंट जस्ट दिखाओ आगे की तरफ, नहीं रुको रुको बहुत एली कैसा हो रहा है क्या चल बसंती बसंती भाग, बिजली बिजली आएगा, बिजली देना वो लकड़िया, देना लकड़िया बसंती घोड़े ऊपर टांग करके लोग बाल पकड़ देते बिजली। सो गाइज, हम गए थे नोएडा के चौकी हवेली, बट वहाँ पे एंट्री 5 बजे से थी, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो हम लोग चले गए नोएडा हाट की, देखते हैं यहाँ से कुछ अगर हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल गई तो ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, बट रेट हमें थोड़ा ज़्यादा लगा तो हमने छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, हम कहीं और से ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज़्यादा था। तो हमने थोड़ा सा इधर उधर घूमा, मस्ती की, फिर हमें न्यू कारपेट भी चाहिए था, जैसे कि नया सब कुछ है तो नया कारपेट चाहिए, तो वो भी देखा बट कुछ पसंद आया नहीं तो हमने छोड़ दिया। क्या हुआ है गुस्सा है, छोड़ के घूम रही थी। इस पे भी है चादर, तो इस पे भी है, और इसके पास ज्यादा वो है, इधर भी है चादर, वो रहा देखो कितने सारे चादर है मम्मी। अरे ज्यादा आगे झुक गई नहीं, हमारे किसी को लग ना।
सब ढाक ले जा रही इनके बाल हमें ढक दे रहे क्या देखते हैं किसके पास जाती है। अब सारे अपना अपना एफर्ट डालेंगे। गाड़ी भी छोड़ दी, पार्टी भी छोड़ दिया, मोबाइल भी छोड़ दिया। मेरी बेटी के लिए रिश्ते इम्पोर्टेंट है, धन दौलत नहीं इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट? रिश्ते। रिश्ते? ये क्या होता है? धन भी लॉयल है। चढ़ेगी कैसे? महारानी बताइए क्या चाहिए आपको? हे देवियाँ आपको क्या चाहिए? सही तुम लोगों ने तोड़ी दिया इसको यार। क्या? अरे रुक जा पहले रिकॉर्ड तो कर लेना। हां बाबा नीम का दातन तोड़ लेना करके ठीक है। अरे नीम बाबे ये देखो क्या नीचे जैसे आप कर कोरा से आटा पे आ गए। घोड़े पसंदी मजदूर देखो पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता अंकित फोटो खींच रहे हमारी मम्मी दिख रही है अंकित चुकी ना क्लिप का पिक्चर है मम्मी तो गाड़ी में सो के जा रही है इतना दूर से आवे से पूछवा हमें अच्छा मम्मी हां सो गाइस हम कहां हैं मैंने बताया भी नहीं है हम आए हैं नोएडा में चौकी हवेली चौकी हवेली और हम लोग 2 बजे के आए हुए हैं 3 बजे के और अभी तक हम सिर्फ बाहर खड़े हैं हमारी एंट्री नहीं हुई है नहीं यहां पे 2 लॉन्च में एंट्री हुई है हम बाहर वेट कर रहे हैं देखते हैं हमारी टर्न हमारी गैंग को सो ये है नोएडा में चौकी हवेली जो कि पूरे राजस्थान के थीम पे बनाया गया है राजस्थान के कल्चर को ध्यान में रखते हुए सो यहाँ पे जो टिकट है वो 500 है बट आज न्यू ईयर था तो इसलिए 1000 था और हम इतनी सारी फैमिली थी बहुत ज़्यादा अंदर मतलब इन्जॉय है दूसरे कल्चर को देख के बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे क्या होता है कैसे होता है तो इन्होंने हाथ में एक बैंड दिया और फिर उसके बाद हम अंदर गए टोकन मिले अगर 1000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा बट अगर 500 के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा था जो सारी चीज़ें थी अंदर तो फिर हमने बहुत इन्जॉय किया है आप आगे देखो पूरे ब्लॉग में हम पूरी फैमिली गए थे बहुत सारे लोग अभी इसमें मिसिंग है बट जितने लोग भी गए थे हमने इन्जॉय किया और भी सब होते तो और मज़ा आता बट कोई नहीं एक ही जगह सब लोग नहीं जा सकते है ना कभी किसी को कहीं जाना होता है किसी को कुछ होता है तो इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग इसमें मिसिंग हैं
क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हो आप लोग? चलो हम भी खाना खा रहे हैं, जल्दी रहे पानी और लोगे? हम नहीं लोगे? चलो हम भी खाते हैं पीते हैं। अभी उधर देखो पूरी पूरी उधर सब चलो आओ उधर खाने का है, उधर खाने का है। यहाँ स्टार्टेड है, पहले स्टार्टेड का है। जब मेरा सुनो भाई ध्यान से, सुनो दीदी आपका दूर से आपको दीदी है वैसे आपकी हेल्थ कल अच्छी आपको लंबी आई वसूल करते हुए सिपाही भैया भी थक गए, हम लोगों का परिवार ही नहीं खत्म होने को राजी हो रहा है। सारा तू आ जा, तू कर ले सारा, सारा आ जा, सारा बैठ से खत्म होने की पैरों को Thank you.
सो गाइज, ये जो न्यू ईयर था ना मेरा बहुत स्पेशल था क्योंकि मैं फैमिली के साथ थी और बहुत इन्जॉय किया. लास्ट न्यू ईयर मेरा इतना गंदा गया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसी कुछ सिचुएशन बनी थी कि मैंने पूरा अपना न्यू ईयर सिर्फ रो के निकाला था. मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे फैमिली इशू जो मतलब सबकी फैमिली में होता है वही थोड़ी सी हमारी फैमिली में भी है. ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो हमारी फैमिली में अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं. तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से लास्ट ईयर मतलब मैं एकदम होता नहीं है कि रो रो के बीता था. और धनवी का फर्स्ट न्यू ईयर था तो और ज़्यादा मुझे दुख हो रहा था. तो और ज़्यादा मेरा मतलब होता नहीं अंदर से कलेजा दुख रहा था कि फर्स्ट न्यू ईयर है, धनवी को पूरी फैमिली के साथ होना चाहिए. बट नहीं, मैं अपने मायके में थी और कुछ चीज़ें थी तो जिसकी वजह से, और मेरे मायके की फैमिली थी बट शादी के बाद कितना भी होता है ना, एक ससुराल की फैमिली ससुराल की होती है, मायके की होती है. शाम को मेरे हस्बैंड आए थे मुझे खुश करने के लिए. वो न्यू ईयर वाले दिन आ गए थे वहाँ पे मैं मेरे मायके में शाम को ऑफिस के बाद की, मुझे बाहर भी लेके गए थे डिनर पे. लेकिन फिर भी एक वो जो खुशी होती है ना, मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मुझे मेरे हस्बैंड का साथ नहीं चाहिए, मुझे पूरी फैमिली का साथ चाहिए. तो मेरे को अगर कहीं घूमने जाने का भी होता है ना तो मैं सोचती हूँ पूरी फैमिली जहाँ जाएगी ना वहाँ मज़ा आएगा. तो लास्ट ईयर सिर्फ एक हस्बैंड के साथ थी तो मतलब फिर भी मेरे को अच्छा था. लेकिन फिर भी मेरे मन में ना वो हमेशा से एक कसक रही गई है कि यार धनवी का फर्स्ट न्यू ईयर था और चीज़ें ऐसी थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं सेलिब्रेट कर पाई. बट इस ईयर सारी चीज़ें ठीक हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ, धनवी के साथ, सबने इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की. तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि दुख की जो घड़ी होती है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है. ऊपर वाला सब देख रहा होता है क्या सही है क्या गलत है. तो वो दुख का जो टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी ऊपर वाला उस दुख की घड़ी से निकाल देता है अगर आप सच्चे हो, सही हो. तो ऊपर वाले ने मुझे मेरी दुख की घड़ियों से बहुत जल्दी निकाल दिया. मतलब थोड़े से ही समय के लिए मुझे दुख हुआ, उसके बाद भगवान ने मुझे निकाल दिया और सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हंसी खुशी है. तो बस आप लोग भी अगर कभी ऐसे ही आपके पास प्रॉब्लम्स हो ना, प्रॉब्लम आए तो मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए. तो आपकी लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम है ना तो बस यही सोचना कोई बात नहीं, दुख की घड़ियाँ निकल जाएंगी, जल्दी आएगी, खुशी का पल भी आएगा जैसे कि मेरे साथ हुआ. एक साल कितना पिछले साल रो के निकाला, इस साल कितनी खुशी निकाला. फिर बस हमने राजस्थानी डिनर किया और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए. बहुत मज़ा आया, बहुत सारे फैमिली मेम्बर थे जिनको हमने मिस किया जो नहीं यहाँ पे आ पाए. यस गाइस, मेरे लिए सब मेरी फैमिली ही है, मेरी पूरी फैमिली मेम्बर. मैं सबको अपना फैमिली मानती हूँ, जो मुझे फैमिली मानते हैं उनको भी, जो नहीं मानते उनको भी, मेरे लिए वो मेरी पूरी फैमिली है. सो बस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.